हम बनाने जा रहे हैं एक इंस्टेंट नाश्ता जो कि है ब्रेड पिज्जा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। सबसे पहले हमें एक कटोरी रवा लगेगा जो कि बारीक रवा है। उसके बाद में हमें लगेगी आधी कटोरी मलाई, एक कटोरी कटे हुए प्याज, एक कटोरी कसूरी गाजर, एक कटोरी बारीक कटे हुए टमाटर। इसके अलावा हमें लगेंगी बारीक कटी हुई मिर्च, जो कि मैंने एक मिर्च ली है। ये है चिली फ्लेक्स। हमें चिली फ्लेक्स इतना सारा नहीं डालना है, जितना चाहिए उतना ही डालेंगे। इसके अलावा ये है घी। ये घी में हमने क्या किया है, जो लहसुन होता है उसको बारीक कस के घी में डाल दिया है और उसको अच्छे से फेंट लिया है ताकि गार्लिक का टेस्ट आ जाए। ये है सादा घी जो कि हमें सेकने लगेगा हमारा पिज्जा। ये है ब्रेड, नमक, ये मैंने लिया है एक टीस्पून, आप थोड़ा कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। ये लिया है जीरा पाउडर और ये है काली मिर्च का पाउडर। अब सबसे पहले हमें एक कटोरी रवा और आधी कटोरी मलाई को अच्छे से फेंट लेना है। ये देखो मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे हम आधी घंटा रेस्ट होने रख देंगे ताकि रवा अच्छे से भीग जाए। अब आधा घंटा हो गया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें नमक डालना है और अच्छे से फेंट लेना है। अब हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है नमक डाल के। अब इसमें हमें प्याज डालना है। अब हमें इसमें सारे जो हमने कटिंग्स की है वो सब डाल देना है। अब डालेंगे हम टमाटर और अब डालेंगे कसी हुई गाजर और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना। ये देखो हमने सब मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें जो कटी हुई हरी मिर्च है वो मिक्स कर लेना है। अब हमें इसमें एक चम्मच जो है, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर दोनों मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा हमें इसमें चिली फ्लेक्स डालना है। हमारा बैटर मिक्स होके रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक ब्रेड लेना है। ब्रेड के ऊपर हमें, जिसमें हमने लहसुन मिलाया था, अब बटर या घी कुछ भी ले सकते हो, वो बटर हमें लगाना है। ये हमने बटर लगा लिया है। अब इसके बाद हमें इस पे टॉपिंग्स डालना है, अच्छे से इसको लगा लेना है। अब ये टॉपिंग्स लग के रेडी है और अब हमें इसे पैन पे रखना है। अब पैन पे हमें सबसे पहले थोड़ा बटर या घी डाल देना है, उसे थोड़ा फैला देना है और इसके बाद में हमें इसके ऊपर हमारा ब्रेड रख देना। अब ये हमारा एक साइड से पिज्जा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा जिसमें लहसुन डाला हुआ था वो वाला घी हमें अच्छे से लगा देना है। हमने इस पे गार्लिक वाला बटर लगा लिया है। अब हमें इसे पलटना है। ये देखिए इसकी एक साइड कितनी अच्छी सिक गई है और अब इसे दूसरी साइड से सेकना है। ये देखिए दूसरे साइड से भी सिक गया है और मैंने अब इसे उतार लिया है पैन पे से। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर चीज डाल सकते हो। चीज बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे नहीं डालना है इसलिए मैं नहीं डालूंगी। और अब ये रेडी है सर्व करने।